असल नाजरीन माई नेम इज़ अहमद अली नकवी एंड यू वॉच माई प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड टाइम्स चैनल विद द टाइटल करंट अफेयर्स आफ फोर्ट नाइटली ग्लानस नाजीन आज का प्रोग्राम एक डिफरेंट इशू पे है दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट जर्नल विच इज़ पब्लिश बाई वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट और ये जर्नल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वार्टरली पुलटिकॉम के नाम से नाजीन दिस जर्नल

कुछ सब्जेक्ट्स जो इंटर रिलेट करते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स इवन एस एंड यू एस हिस्ट्री एट्सट्रा एट्सट्रा इन तमाम सब्जेक्ट के बहुत सारे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ उनका एनालिसिस ओवरलैप करता है एक दूसरे के साथ और उसके लिए जो डिफरेंट इंटरनेशनल सोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें बहुत स्कैटर्ड रिसोर्सेज हैं और समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू पिक एंड चूज़ वट इज़ रेलिवेंट वट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सी एस एस सो so, दो चीज़ों में प्रॉब्लम होता है एक हाई क्वालिटी आर्टिकल स्पीक करने में और दूसरा रेलिवेंट टू द सी हवाले से ये दो प्रॉब्लम होती हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं दिस क्वाटान इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ दोज हाई क्वालिटी आर्टिकल्स दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सी एस एस डिस्कशन स्पेशली रिलेटेड टू पोलिटिकल साइंस एंड आई बट आल्सो बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स इन अदर सब्जेक्ट्स दैट आई अर्लियर तो नाज़ीन जस्ट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल लास्ट जो सी एस एस का एग्ज़ाम हुआ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के अंदर उसमें से कुछ पेपर्स uh, हमने पिक किए यहाँ पर और हमने देखा कि उनके जो आर्टिकल्स फोर्टी प्लान में पब्लिश किए गए थे लास्ट जर्नल के अंदर जो नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में पब्लिश हुआ था जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा होगा इस uh, एक इशू से डिफरेंट कोश्चन्स जो हैं वो जो 2022 के पेपर में आए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाना मकसद है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाए तो तनाजिन स्टार्ट करते हैं विद दी फर्स्ट मेजर पेपर जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा विच इज़ क्वार्टरली पलटिकॉन तो आपको देखा अब एक तरफ आपको लेफ्ट स्क्रीन पर नज़र होगा क्वार्टरली पोलिकॉन के जो कंटेंट्स हैं जो पॉलिश हुए और राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा जो कि पेपर uh, है दो हज़ार के अंदर आया था इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर वन लादी अगर आप पेपर वन को देखें तो इसके अंदर आपको नजर आएगा दो क्वेश्चन जो ऐसे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सेवन जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन जो हैं एक पावर से रिलेट करता है और दूसरा ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करता है क्वार्टरली बुल्डान के नवंबर के जनरल में आपको ये नज़र आ रहे होंगे जैसे अगर आप क्वार्टली बुल्डन को देखेंगे तो आपको जो जो टॉपिक नज़र आ रहा है जो थर्ड कंटेंट में आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट स्मार्ट पावर और जिसमें इस पेपर के अंदर भी आपको स्मार्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र आ रहा होगा सो पावर से रिलेटेड ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था दो हज़ार बाईस में पेपर में आया था दो में और क्वार्टरली अबुल जो लास्ट था नवंबर में पब्लिश हुआ उसके अंदर ये आर्टिकल इस पर मौजूद है जो अच्छी क्वालिटी का इसी के से दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और अगर आप यहाँ पे देखिएगा जो आर्टिकल नंबर फाइव है दैट इज़ ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड द डिबेट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन जिसपे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ सो so, दो क्वेश्चन जो आई आर पेपर वन के थे दे डायरेक्टली लिंक विद दी वन इशू ऑफ द क्वार्टरली क्वाटलीबुल खान पब्लिश इन नवंबर फिर नाजीन आई आर पेपर टू में अगर आप जाएंगे तो आई आर पेपर टू जो है उसके अंदर से भी आ, जो दो सवाल हैं एक क्वेश्चन नंबर टू जिसके अंदर हमने यू एस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटी के अंदर बाइडन के ऊपर क्वेश्चन था और इसी कॉन्टेक्ट में अगर आप क्वार्टरली क्वार्टान में देखेंगे तो यहाँ यू एस चाइना रिलेशन के ऊपर जो सवाल है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस पर एक आर्टिकल्स आपको नजर आ रहा होगा सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्टर पे सवाल आया हुआ है uh, साउथ एशिया के कॉन्टेक्स में और नाजी अगर यहाँ पे आर्टिकल नंबर सिक्स देखिएगा तो दैट इज़ कॉटल पुल जो है उसके अंदर आपको साउथ एशिया के न्यूक्लियर इश्यूज पे एक आर्टिकल बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होगा सो आई पेपर वन में से भी दो सवाल इस चर्नल से लिंक करते हैं आई पेपर टू में से भी इस जनल में से एक इशू से जो है वो लिंक करते हुए आपको नज़र आ रहे हो इसी तरीके से नाजरीन अगर हम हाएं बाद में पोलिटल साइंस के ऊपर और पोलिटिकल साइंस का पेपर वन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड पर तो पोलिटिकल साइंस के पेपर वन के अंदर भी जो एक सवाल है जो हाब्स के ऊपर सवाल आया था हाफिज्रीन सोशल कॉन्टेक्ट के ऊपर और नाज्रीन यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो आ, आर्टिकल है आर्टिकल नज़र आ, आ रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर जिस पर मैंने एरो बनाया यहाँ भी ये एक आ, सोशल कॉन्टैक्ट जो हाब्स और लॉक का था उसमें सवाल आया हाब्स वाज टेकन फ्रॉम हेर एज़ वेल तो ये पोलिकल साइंस के पेपर वन का एक सवाल एक इशू से हमें नजर आ रहा होता है इसी तरीके से नाजीन आप पोलिकल साइंस के पेपर टू में जब आप जाते हैं तो पोलिकल साइंस के पेपर टू के अंदर भी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे एक सवाल नजर आ रहा होगा विच इज़ अबाउट पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री और स्पेशली एटीनथ अमेंडमेंट से उसको लिंक किया गया और नाजीन आपकी स्क्रीन पर ही आपको नजर आ रहा होगा एटीनथ कॉन्स्टूट अमेंडमेंट के ऊपर पा एक आर्टिकल जो है वो इसी क्वार्टी पुलिकान में पब्लिश हुआ होगा सो एक ही नाजरीन इशू है क्वार्टरली पुलिगान का और उसमें हमने आई आर वन में भी आई आर टू में से भी पोलिटिकल साइंस पेपर वन पोलिटिकल साइंस पेपर टू सवाल आपको आते हुए नज़र रहे सिर्फ एक इशू से और क्वार्टरली है तो साल में मल्टीपल इशूज़ आते हैं इसी तरीके से नाज़ी अगर हम कंपल्सरीज में जाएँ और करंट अफेयर्स को देखें जाके तो करंट अफेयर्स के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी एक सवाल जो यू एस चाइना के दरमिया में कॉन्फ्लिक्ट है और स्पेशली ट्रेड के कॉन्टेक्स में लिखा गया और वर्ल्ड ऑर्डर से लिंक किया गया तो नाजीन आपके सामने स्क्रीन पर क्वाटली प्लिकान की नजर आया होगा तो ये जो क्वार्टरली पब्लिकान का आर्टिकल है और स्पेशली देखें यू एस चाइना के कॉन्टेक्स में ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स में ये सवाल जो है वो आ, इसी क्वाटरली प्लिकान से डायरेक्टली आपको लिंक करता हुआ नजर आएगा जाके इसी तरीके से नाजरीन पाकिस्तान फेज आ, का क्वेश्चन पेपर देखा जाए 2022 के अंदर तो उसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि जो एक सवाल है एटीनथ अमेंडमेंट के हवाले से विच इज़ दी दी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर थ्री नजर आ रहा होगा ये वाला आपकी स्क्रीन के ऊपर जाके इसके अंदर एटीनथ अमेंडमेंट से उसने लिंक किया था डिस्कशन को पाकिस्तान के हवाले से और इसी क्वार्टरली पुलिकॉन के अंदर एटीनथ अमेंडमेंट पे सवाल जो है वो आ, आर्टिकल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा सो so, नाज चाहे पोलिटिकल साइंस हो चाहे आई हार हो करंट अफेयर्स हो या पाकिस्तान अफेयर्स हो दो हज़ार बाईस के अंदर ये जो चार पेपर्स हुए हैं चार सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं और टोटल छः पेपर्स बन जाते हैं तो इन पेपर्स के जो छः पेपर्स हैं उनमें से सवाल जो हैं वो यहाँ से आपको तभी नजर आएंगे इसी तरीके से नाजीन अगर आप यहाँ पर कौटिकान के लास्ट में देखें तो आपको एक बुक भी नज़र आ रहा होगा ऑन चाइना ऑन चाइना आपको नज़र आ रहा होगा इसी तरीके से आपको एक अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू एक्सपर्ट का नज़र आ रहा होगा तो इन पे भी सवाल जो है वो आए हुए नज़र आएंगे आपको इसी आई में भी और करंट फेज में भी और पाकिस्तान फेज के अंदर भी जाकर नाजरीन इसी के से अगर आप एस को देखें एस में भी ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आए और आपको ग्लोबलाइजेशन नज़र आ रहा है ग्लोबलाइशन की डिबेट आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पे जा सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के सीएसएस में कंपलसरी हों या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्वार्टरली पुलकान उन्हीं के ऊपर जो इंटरनेशनली नॉन इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्कॉलर्स हैं उनके आर्टिकल्स को कंपाइल करके यहाँ पे पब्लिश करता द एडवाटेज प्रिंस विल बी दे कैन गेट टू द पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हाईली इफेक्टिव एंड हाईली यू नो क्वालिटी के जो आर्टिकल्स हैं यू कैन फाइंड इन द क्वाटरली पब्लिकॉन सो नाजीन इस क्वाटर्ली प्लिकॉन जो है दिस इज़ सम जिसको हम कह सकते हैं दिस इज़ द गेट वे टू द सक्सेस ऑफ द सी एस एस सब्जेक्ट्स अलॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आई ए आर पोलिकल साइंस यू एस हिस्ट्री इवन आप चले जाएँगे उसके अंदर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स इवन एस ए के अंदर दैट वुल ग्रेटली हेल्प द स्टूडेंट्स सो यू कैन बाई दिस क्वाटरली पुलिकॉन from world time uh, publications and you can contact them for this purpose thank you nazreen god bless you allah hafiz